अस्सलाम वालेकुम है गाइस, क्या हाल है? मेरे ख्याल में आप सब ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बिनी ससुराल सही में। और आज का वीडियो आप सबको सामने ही है जो कुछ भी है। और अभी इसका प्लिंथ फिल्म का पैसे पहले वाला वीडियो आपने देखा था, तो ये पीसीसी हो गया था इसका प्लिंथ का, ठीक है। आपके उधर क्या बोलते हैं इसको मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर तो इसको प्लिंथ पीसीसी बोलते हैं, ठीक है, कुर्सी का पीसीसी बोलते हैं। अब इसके बाद में अपना दीवार वगैरह जो है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक एक दीवार पूरा कर देंगे, वो जिधर दरवाज़ा आ रहा है वो छोड़ देंगे, कोई पेचिस वगैरह आ रहा है वो छोड़ देंगे, पूरा इसमें हो जाएगा। फिर घर मालिक जो आके देखेगा, उसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, डोर वोर छोटा बड़ा करना होगा, वो भी कर सकता है। कोई डोर इस इधर से हटा के इधर करने का है, वो भी चेंज कर सकता है। उसके बाद में कन्फर्म हो जाए, उसके बाद में दीवारें पूरी उठ जाएंगी, विंडो वगैरह पूरे उठ जाएंगे। क्योंकि एक तब वो लगा के हम लोग छोड़ता है, घर वाला आके देखता है, चेक करता है, उसको दरवाज़ा वाला चेंज करना तो ठीक है, नहीं करना है तो बस ठीक हो गया। उसके बाद में कल से उसके ऊपर दीवारें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पूरा जो भी है, मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये तो हॉल है, ये गेस्ट रूम है जो मजलिस बोलते हैं यहाँ पर, वो है। उससे आगे जो अरबाना खड़ा है वो उधर से सीढ़ी रूम है, टेरिस वगैरह वो। और वो ये मजलिस का वो टॉयलेट है, वो जो उधर आगे देखो, आगे वाला कोना वाला रूम है ना, वो भी किचन है जिसमें ताबू पड़ा है, साथ में वो भी किचन है। ये बड़ा किचन है, वो छोटा किचन है, दो किचन है। उसके बाद में वो उधर एक वो जो रम ये बजरी पड़ा है, उससे आगे वाला ताबू पड़ा है ना, वो एक रूम है, वो पैचिस है, वो टॉयलेट है उधर, ये हॉल का टॉयलेट है, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे। तो अभी दूसरा दिन है, कॉलम खोल दिया है आपके सामने, कैसा देख लीजिए, वाइब्रेटर ज़्यादा मारा है तो कितना अच्छा सा है। अभी ये दीवारें जो है ना, पहले की नहीं थी, अभी कर रहे हैं, तो इसके लिए हॉल मार देंगे, इसमें से भी 8 मिली का स्टील डाल देंगे तो दीवार मजबूत हो जाएगा, पकड़ कर लेगा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, काम देखिए कितना खूबसूरत है। और तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका आगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आप, देखिए काम ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी वाले करते हैं ना, बड़ा कंपनी में काम होता है, उसके सेम ही हो रहा है, बिल्कुल सीधा ताबू के लाइन भी सीधा है और जॉइंट के ऊपर जॉइंट है। देखिए इससे क्या टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन देखने में खूबसूरत लगता है, काम तो वही रहता है आपका। अगर आप ये जॉइंट वगैरह है इनको लाइन मार देंगे तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। देखिए काफ़ी अच्छा लगा है। तो भाई साहब, टॉप लेवल पूरा हो गया है और अब शटरिंग का काम चालू करेंगे। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, उस साइड में उधर सीढ़ी है, बाकी पूरा हॉल हो गया। ये वाला एरिया जो है ना, ये और नीचे उधर का पूरा हॉल है, लेकिन ये 2 मंजिल तक ऊपर ओपन रहेगा, अभी स्लैब इसमें नहीं आएगा, इसमें पूरे में चले पाएगा, इसका दूसरा मंजिल पर जाकर चले पाएगा। ये विंडो वगैरह हो गया और ये मजलिस से क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गेस्ट रूम। और ऊपर जाके इसमें 2 रूम बन जाएंगे, टॉयलेट बन जाएगा, इसका ब्लॉक वाला स्लैब आएगा, हॉर्डी ब्लॉक वाला जो आता है ना, ब्लॉक वाला स्लैब वो आएगा इसका। और आगे 2-3 रूम हैं, 2 किचन हो गए, फिर वो खाने का रूम हो गया, बस एक रूम उधर है बस होने का, ठीक है। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और इंशाल्लाह अगले वाला वीडियो आएगा इसका शटरिंग का, ठीक है। इसमें दे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, वो दीवार थोड़ा ऊपर है, ये दीवार थोड़ा नीचे है, ये इसका लेवल है, और दूसरा वो देखो वो ज़्यादा डाउन है, ये अलग अलग छोटे बड़े बीम है ना, इसकी वजह से ऐसा किया हुआ है, ठीक है। फिर जब ऊपर वाला बीम आएंगे तो बराबर आ जाएंगे, स्लैब तो एक लेवल आएगा, लेकिन बीम छोटे बड़े करने के लिए ये दीवारें ऐसी अभी छोटे ऊपर नीचे लगा ली, लेवल निकाल के, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक दीजिए और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसा अभी साइड मारती है, और देखिए वो ब्लॉक वाला स्लैब है, इसका 20 सेंटी है, इसके 20 सेंटी पर आई, उसके 20 सेंटी पर आई, उसका 32 सेंटी पर आई, ठीक है ना। और वो आगे जाके एल लगा हुआ है ना, आगे वाला शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ, ये वाला उसमें इधर भी।